नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे सब्सक्राइब 100 के पार पहुंच गए दोस्तों, इसलिए मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो है TSO पर, यानी ट्री स्प्रे ऑयल। तो दोस्तों, पहले ज़माने में लोग साबुन और डीजल को मिलाकर घर में तेल खुद तैयार करते थे दोस्तों, परंतु उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसके बाद TSO कंपनियों ने तैयार किया जो हमारे को बाज़ारों में कई कंपनियां उपलब्ध। हमारे यहाँ बहुत सारे तेल कंपनियां हैं, जैसे सर्वो है, HP है, HP के बहुत सारे तेल आते हैं, और आपके अर्व फाइन है, मैक है, और भी बहुत सारी कंपनियों के तेल आते हैं, ऑर्चर्ड ऑयल आता है, इस तरह के बहुत सारे ऑयल आते हैं दोस्तों। तो पहले TSO आता था, उसमें एक प्रकार की गंध होती थी जिससे उसे पहचाना जा सकता, परंतु दोस्तों वो एक TSO की क्रूड अवस्था थी। दोस्तों, अब जो तेल आया है उसे HMO कहते हैं, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल कहा जाता है उसे। तो वो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध, यानी कि TSO को भी निखार कर, यानी कि रिफाइंड कह सकते हैं आप उसे, रिफाइंड की तरह शुद्ध है, उसे काफ़ी तरीके अच्छे तरीके से फिल्टर किया गया है दोस्तों। तो हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल जो है वो अब ज़्यादातर लोग उसे ही यूज़ करते हैं, और उसे हर सीज़न में किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, लोगों का अब अपना टाइम है स्प्रे करने का, कई सर्दियों में करते हैं, कई अपने टाइम पर। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस टाइम तेल की स्प्रे होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, तेल की स्प्रे आपकी, मेरी समझ से ग्रीन टिप पे सबसे बेहतर रहती है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त जो आपकी संजो स्केल के जो कीट होते हैं वो उस वक्त सक्रिय होते हैं दोस्तों, और उनके ऊपर इस तेल की फिल्म बनती है दोस्तों, और वो इस फिल्म के बनने के बाद उनका दम अंदर ही घुस जाता और मर जाते हैं दोस्तों। कई TSO और HMO सर्दियों में भी करते हैं दोस्तों, सर्दियों में भी लाभदायक, थोड़ा बहुत लाभदायक मान सकते हैं। कई कहते हैं कि अर्ली फ्लावरिंग होती है, परंतु दोस्तों इसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा, परंतु जो मेरा मानना है कि शायद इस वजह से करते हैं कि एक तो जल्दी फ्लावरिंग की वजह से, जिस बगीचे में जल्दी TSO या HMO उपयोग में लाया जाएगा वहाँ जल्दी फ्लावरिंग होगी दोस्तों। अगर और दूसरी बात इसमें ये है कि जो मेरा मानना है कि जैसे हाइट में अधिक बर्फ़ पड़ती है और पाला पड़ता है, उसका प्रभाव भी पेड़ों पर नहीं पड़ता है दोस्तों, नहीं तो जल वगैरह सकते हैं दोस्तों। और तीसरी अवस्था इसकी मई महीने में होती है, जब अखरोट के आकार का फल होता है दोस्तों, जैसे कि आपकी पॉटरी मिल्डी और अन्य कीटों में भी रोकथाम में सहायक होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसके ऊपर इस तेल को किस रेशो में डाल सकते हैं दोस्तों। जो हमारे एक्सपर्ट है उनका कहना है कि हमें 4 लीटर एक ड्रम में डालना चाहिए दोस्तों, 200 लीटर के ड्रम में 200 लीटर पानी में 4 लीटर डालना चाहिए। एक बात आपको कहना चाहूँगा कि
जब हम लोग स्प्रे करते तो हम देखा कि स्प्रे करते हैं कि इसके पेड़ बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं या इसके बहुत ज़्यादा है, मेरे रंग नहीं आए। अगर ये 5 लीटर फेंक रहा है तो मैं छः लीटर फेंकूँ दोस्तों, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप वही उतना ही तेल यूज़ करें जितना कि रिकमेंडेड है दोस्तों। उससे ज़्यादा तेल करेंगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए भी अगर यदि कोई दवाई खा रहे हैं तो अगर उसे भी ओवरडोज करेंगे तो उसका नुकसान आपके शरीर को ही भुगतना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप पहले ग्रीन टिप या दिसंबर महीने में तेल कर रहे हैं तो आपको 4 लीटर करना है दोस्तों। अगर मई महीने में कर रहे हैं 2 लीटर प्रति 200 लीटर में करना है दोस्तों। दोस्तों जब तेल की स्प्रे कर रहे हैं आप, तो आपको उसमें चूना या सल्फर आदि कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं करनी है दोस्तों, सिर्फ कीटनाशक के सिवाय। अगर कीटनाशक भी आप उसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और दोस्तों तेल की स्प्रे यदि बहुत सूखा पड़ रहा है फिर भी तेल की स्प्रे मैं नहीं समझता कि फ़ायदेमंद होगी, उससे आपको नुकसान ही होगा, आर्थिक भी और पेड़ का भी नुकसान ही होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि जितनी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आएगी, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल का बटन दोस्तों ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल के बटन दबाने से जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय बागवान।